अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 बुक मिरेकल्स ऑफ साइंस चैप्टर नंबर साउंड वेव्स चैप्टर नंबर 10 साउंड वेव्स लेट्स स्टार्ट ऑफ द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर वाइब्रेशंस एंड द वेव्स दे प्रोड्यूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पार्ट इन आवर एवरीडे लाइफ्स के वाइब्रेशंस और जो वेव्स जो लहरें होती हैं आवाज़ की हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं वी सी लाइट वेव्स स्कैटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस लाइक शाउटिंग ऑफ चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड हम देखते हैं कि खेल के मैदान में जो हम बच्चे चीख रहे हैं उनकी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं दी हॉन्गिंग ऑफ कार्स गाड़ियों का साइरन हॉर्न वगैरह ऑन द रोड सड़कों पर एंड रिंगिंग ऑफ द डोर बेल और घंटी के बजने से वी कैन हियर साउंड वेरेवर गो हम जहाँ भी जाते हैं आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे सम ऑफ द लाइक सम लाइक म्यूजिक आर प्लेजेंट कुछ खुशगवार होती हैं अदर्स आर इरिटेटिंग एंड डेंजरस कुछ जो है ना खुशगवार होती हैं और ख़तरनाक भी होती हैं वी कैन यूज़ रेडियो वेव्स टू सेंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं जो कि टेलीविजन प्रोग्राम में हमें मालूम फ्राहम करते हैं वी कैन यूज़ माइक्रोवेव्स टू कुक फूड हम माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए साउंड लाइक लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स साउंड क्या है एक रोशनी एक एनर्जी की वेव है जिसमें क्या होता है कि जो ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस आवाज़ कैसे पैदा होती है साउंड इज़ मेड बाय सॉफ्टनिंग समथिंग वाइब्रेट्स जब किसी चीज़ में वाइब्रेशन पैदा होती है यदि वो अपने मेन पोजिशन पर हिलती है तो उसमें क्या होता है आवाज़ पैदा होती है वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज ए रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स सेंट्रल पोजिशन एज साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट इज कैपेबल ऑफ बींग हर्ड के वाइब्रेशन क्या है कि ये आगे और पीछे मूवमेंट होती है किसी भी बॉडी में जब वो आगे और पीछे मूवमेंट करेगी तो हम क्या कहेंगे कि इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं और वो वाइब्रेशंस जो हैं फिर हम उसको हियर कर सकते हैं उन वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड साउंड सोर्सेज हैव पार्ट्स देयर वे वाइब्रेट हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और मौसीकी के जितने भी आलात हैं उन सब में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं नेक्स्ट इज हाउ साउंड ट्रेवल्स आवाज़ कैसे सफ़र करती है साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाइब्रेशन विच प्रोड्यूसेस इट कि सोर्स ऑफ वाइब्रेशन से ये पास करती हैं और उस वाइब्रेशन से ही फर्दर हम इसको पास आउट कर सकते हैं साउंड स्प्रेड्स आउट एंड मूव्स इन अ मीडियम द सेम वे एज रिपल्स प्रोड्यूस इन वाटर व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन कि आवाज़ ऐसे ही सफ़र करती है जैसे अगर पानी में जो है उसकी लहरें सफ़र करते हैं जब आप पत्थर पानी में फेंकते हैं थ्रो अ पेबल इन अ पॉन्ड एंड वॉच द रिपल्स स्प्रेड आउटवर्ड्स आप एक तालाब में पत्थर फेंके और देखेंगे उसकी जो लहरें हैं वो किस तरह आगे बढ़ रही हैं द इम्पैक्ट ऑफ द पेबल ऑन द वाटर रिजल्ट्स इन वेव्स कि जो ही वो पत्थर टकराएगा तो उसमें लहरें पैदा होंगी सिमिलरली वाइब्रेशंस कॉज साउंड वेव्स इन द एयर टू ट्रैवल फॉरवर्ड साउंड वेव्स आर द इनविजिबल कि इसी तरह वाइब्रेशन क्या कॉज करती हैं कि वो साउंड को आगे तक सफ़र कराती हैं इसी तरह जो है वो इनविजिबल होती हैं नज़र नहीं आती वी कैन नॉट सी देम हम उनको देख नहीं सकते वी हेयर अ साउंड ऑफ दीज वेव्स स्ट्राइक अवर ईयर्स और जो ही ये हमारे कानों तक पहुँचती हैं हम इसको तब देख सकते हैं वी हेयर अ साउंड दैट दिस वेव स्ट्राइक्स अवर ईयर्स द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड वेव्स या वाइब्रेशन जो होती है हमारी वोकल कॉर्ड्स पे प्रोड्यूस करती हैं साउंड वेव्स को द वाइब्रेशन ऑफ अवर वोकल कॉर्ड्स द एयर पासिंग थ्रू द वोकल कॉर्ड पुशेस द वेव्स फॉरवर्ड तो जो हवा पास करती है हमारे वोकल कॉर्ड से वो उनको पुश करती हैं आगे की तरफ The ripples or waves on the surface of the water are caused by the vibration of water molecules. के जो ripples जो उसमें लहरें पैदा होती हैं जैसे आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं वो किसकी वजह से होती है वो वाइब्रेशन होती है वाटर पार्टिकल्स की सिमिलरली साउंड वेव्स ट्रेवल इन एयर थ्रू वाइब्रेशन और एयर पार्टिकल्स इसी तरह वो क्या करती हैं वो वाइब्रेशंस करती हैं और मॉलिक्यूल्स पास होते हैं सिमिलरली ये जो वाइब्रेशंस हैं ये फर्दर पास आउट होती हैं
सिमिलरली साउंड वेव्स ट्रैवल इन द एयर थ्रू वाइब्रेशंस और एयर पार्टिकल्स. सिमिलरली जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं एयर वाइब्रेशन से और एयर पार्टिकल्स. दीज वाइब्रेशंस अकर व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रक. ये वाइब्रेशंस तब पैदा होती हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है उसमें स्ट्रक हो जाता है. दिस कॉजेज द एयर मॉलिक्यूल्स टू मूव, दे कंटीन्यूअसली बम्प इन टू अदर. ये क्या करती है, एयर मॉलिक्यूल्स को मूव करवाती है जो ही वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं. आवर एयर पिक देम अप एंड वी हियर द साउंड. हमारे कान उसको लेयर को पकड़ते हैं और हम आवाज़ सुन सकते हैं. नेक्स्ट इज वेव्स, अ रेगुलर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑसिलेशंस. कि एक आगे और पीछे की जो मूवमेंट होती है उसको हम ऑसिलेशंस कहते हैं जो कि वेव्स फॉर्म करती है. फॉर एग्जांपल, इफ वन एंड ऑफ द रोप इज टाइड टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट द अदर एंड इज मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड. कि जो ही हम एक हिस्सा जो रस्सी का होता है अगर इसको बांध दें और दूसरे हिस्से को हम मूव करवाएं तो वो साइड बाय साइड क्या करेगी, वो वेव फॉर्म करेगी. वेव कैन बी सीन बाय मूविंग अलोंग द रोप. और आप देखेंगे एक लहर जो है वो रोप रस्सी के इर्द गिर्द पैदा हो रही है. व्हेन यू शेक द रो वी पुट एनर्जी इन टू, जो ही हम उसको हलाएंगे हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें कन्वर्ट करेंगे. दी एनर्जी इज मूविंग विद दी वेव. एनर्जी जो है वो वेव के साथ लहर के साथ मूव करेगी. वेव्स आर टू टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. हमारे पास दो किस्म की वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव. ट्रांसवर्स वेव्स ट्रांसवर्स वेव इफ वन एंड If one end of the rope If one end of the rope on a spring is fixed to a wall and the other end is moved left to right. कि जो ही एक जो एंड होता है वो मूव करता है जो ही एक एंड जो है रोप का मूव करता है तो एक वेव हमें नजर आती है उसमें पैदा हुई हुई है. ट्रांसवर्स वेव आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑसिलेशन इज फ्रॉम साइड टू साइड एट राइट एंगल्स टू ऑल द डायरेक्शन इन द वेव्स ऑफ द वेव ट्रैवल. तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या करती हैं, वो तब प्रोड्यूस होती हैं जब ऑसिलेशंस होती हैं साइड टू साइड होती हैं. द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपल्शन इन द ट्रांसवर्स वेव्स. के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो एक मीडियम में वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. के यानी वो वेव प्रोपोगेशन के लिहाज से मूव करते हैं. लाइट वेव्स, वाटर वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स. लाइट वेव्स हो सकती हैं, वाटर वेव्स हो सकती हैं और मैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं. कि ये सारी जो वेव्स हैं ये सारी उसके साथ मूव करती हैं. जब ये फर्दर मूव करती हैं तो हम इनको क्या कहते हैं कि दीज वेव्स आर फर्दर मूव्ड. नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. इफ वन एंड ऑफ द लॉन्ग स्प्रिंग मेटल कॉइल इज फिक्स्ड टू द वॉल एंड द अदर एंड पुल्ड बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड. क्या अगर एक स्प्रिंग को एक दीवार के साथ अटैच किया जाए और आप उसको खींचें आगे की तरफ और पीछे की तरफ खींचेंगे, जब अ वेव विल बी सीन, एक वेव पैदा होगी उसके स्प्रिंग के अलॉन्ग. वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. जो स्प्रिंग के अंदर आगे और पीछे मूवमेंट से क्या होती हैं, जो वेव सीधी एक पास होते हैं जो मूव बनती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं. दी वेव ऑन द स्प्रिंग एंड द साउंड वेव्स प्रोड्यूस आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. कि जैसे स्प्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं. दी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द स्प्रिंग प्रोड्यूस अल्टरनेटली टू टाइप्स ऑफ रीजन. कि उसमें दो किस्मों के रीजन पैदा होते हैं, कंप्रेशन पैदा होती है और रेरिफैक्शन पैदा होती है. दीज रीजन डिनोटेड एट सी एंड आर. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ सी जो होगी वो कंप्रेशन पैदा होगी और आर क्या होगी वो रेरिफैक्शन पैदा होगी. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स. वेव्स की करैक्टरिस्टिक क्या है, दी वेव्स आर करैक्टराइज बाय थ्री बेसिक क्वान्टिटीज. वेव्स का हम तीन बेसिक क्वान्टिटी बुनियादी के साथ है इसको जाहिर करते हैं, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड हसूस स्पीड. द टू इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आर पिच एंड लाउडनेस. दो उसकी अहम खसूसियत क्या है साउंड की, वो पिच और लाउडनेस है. विच कैन बी डिटरमाइंड बाई फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. अ चाइल्ड स्विंग मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इफ इट इज पुश्ड. एक बच्चे का झूला जो है उसको अगर हम थोड़ा सा उस पर जोर लगाएं या ताकत लगाएं तो वो क्या होती है, वो आगे और पीछे मूवमेंट शो करती है. ए क्लॉक कीप्स गुड टाइम बिकॉज पेंडुलम मूव्स बैक एंड फॉरवर्ड रेगुलरली. एक घड़ी में जो है वो क्लॉक जो है उसमें टाइम ठीक रहता है. वो किस की बुनियाद पे कि जो ही हम उसको मूव करते हैं और जैसे ही हम उसको मूव करेंगे फर्दर वो क्या करेगी, उसमें साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. सिमिलरली अ मास ऑफ स्प्रिंग विल बाउंस अप एंड डाउन इफ इट इज पुल्ड एंड देन रिलीज. अगर ये पुल किया जाए उसको खींचा जाए रिलीज किया जाए तो फिर उस पर भी जो है एक स्प्रिंग में भी बाउंस पैदा होगा. नेक्स्ट इज
The to and fro movement is called oscillation. The time taken for complete oscillation is called time period. आगे और पीछे की movement को हम oscillation कहते हैं, जैसे ये simple pendulum जो है ये oscillation produce कर रहा है, एक second में जो oscillation produce होती है, जितने time में produce होगी उसको time period कहेंगे. Amplitude, a simple pendulum can be made by hanging a bob on the length of a spring, pull the bob to at one side and release it. कि एक जो simple pendulum आप तब बना सकते हैं, अगर एक जो metal bob है उसको एक string के साथ बांध दिया जाए एक iron stand पे, अगर आप उसको एक पोजीशन पर लाकर छोड़ेंगे तो उसमें स्विंग पैदा होगी. ये देखिए, व्हेन दिस बॉब इज रिलीज्ड इट बिगन्स टू ऑसिलेट, और जो ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा, यानी आगे और पीछे मूवमेंट करेगा. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉब फ्रॉम द मीन पोजीशन ड्यूरिंग ऑसिलेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. कि जब उसकी मीन पोजीशन से एक जो हम कहेंगे कि ऑसिलेशन प्रोड्यूस की है उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे. ड्यूरिंग ईच ऑसिलेशन द पेंडुलम लूजेस एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. कि फ्रिक्शन की वजह से वो क्या करता है, उसमें एनर्जी लूज होती है. एम्पलीट्यूड ऑफ स्विंग गेट्स लेस एंड इट इवेंचुअली स्टॉप. और एक वक्त ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी और वो रुक जाएगा. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन वन सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. कि जो ही एक सेकंड में जितनी ऑसिलेशंस आएंगी वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज द नंबर ऑफ साउंड वेव्स बीइंग प्रोड्यूस इन वन सेकंड. कि फ्रीक्वेंसी क्या है, जब नंबर ऑफ साउंड वेव जो है एक सेकंड में प्रोड्यूस होंगी. फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में देखा जाता है. 1 hertz means one wave is produced or it passing through a certain point in 1 second. 1 hertz का मतलब है कि एक वेव जो है एक पॉइंट से पास हुई है. फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 hertz means that 100 waves are passing in every second. 100 hertz का मतलब है कि 100 waves वहाँ से पास हुई हैं. फार्मूला है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 hour फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में पास हुई हैं. नेक्स्ट इज पिच. पिच इज द मेजर हाउ शेल और डीप साउंड इज. इसका बता देते हैं कितनी ऊंची और कितनी गहरी आवाज़ है. विस्लिंग इज अ शेल साउंड वेयर एज साउंड इज बेस ऑल्सो गिटार इज अ डीप साउंड. कि विस्लिंग क्या है, ये एक बुरी आवाज़ है, शेल साउंड है, लेकिन एक गिटार की जो है ये एक गहरी आवाज़ है. द स्वीक ऑफ ए माउस और ए स्क्वेल इज अ श्रिल साउंड वेयर एज रोर ऑफ अ लाइन इज अ डीप साउंड. कि कुछ गहरी आवाज़ें होंगी और कुछ ऊंची आवाज़ें होंगी, जैसे किसी चूहे का स्वीक करना या स्क्वेल का, जबकि शेर की आवाज़ जो है ये गहरी है. द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. पिच ऑफ द साउंड किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे. श्रिल साउंड्स हैव हाई पिच एंड डीप और मिड साउंड्स हैव लो पिच. कि पिच ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे. जो ही श्रिल साउंड है के पास हाई पिच होगी तो वो डीप मिड साउंड वहाँ लो पिच में मौजूद होगी. दी हायर दी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दी हायर इज दी फ्रीक्वेंसी. जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी उतनी ज़्यादा ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसकी पिच होगी. दी हायर दी फ्रीक्वेंसी दी हायर इज द पिच ऑफ द साउंड. नेक्स्ट इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज साउंड डिफरेंट टू हेयर. कि हर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी हमारे कानों तक पहुंचने के लिए. वी हेयर हायर फ्रीक्वेंसीज आर हाई नोट्स एंड वी हेयर दे आर हैव हाई हिच. जो ऊंची आवाज़ें होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उससे हमें सुनाई भी ऊंची दी जाती हैं क्योंकि उनकी पिच हाई होती है. वी हेयर लो फ्रीक्वेंसीज आर लो नोट्स बिकॉज दे हैव लो पिच. और लो फ्रीक्वेंसी हमें लो दिखाई सुनाई दी जाती हैं क्योंकि उनकी लो पिच होती है, लो फ्रीक्वेंसी होगी. दी लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन दी हाइट ऑफ द साउंड. कि लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, जितनी उसकी हाइट है वेव्स की. वेव्स की हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ऊंची वो आवाज़ होगी. द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव द लाउडर द साउंड इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स. कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही वो ऊंची आवाज़ होगी, और इनको हमें डेसिबल्स में मेजर करते हैं. द लाउडनेस ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. कि लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, वो सर्फेस एरिया पर डिपेंड करती है एक वाइब्रेटिंग बॉडी की. The loudness of sound also depends on the surface of the area of a vibrating body. Next is
स्पीड द डिस्टेंस ऑफ अ साउंड वेव कवर्स इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी और स्पीड। किस स्पीड और किस क्या करेगी वो साउंड वेव को तब करेगी जो ही एक यूनिट ऑफ टाइम होगी और वो क्या होगी उसकी वेलोसिटी या स्पीड। द स्पीड ऑफ साउंड इज द प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है ये प्रोडक्ट है उसकी वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट्स ऑफ मीटर पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड यूनिट से देखी जाती है। अ साउंड वेव मूव्स एट एन अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर। और एक साउंड वेव कैसे मूव करती है वो 330 मीटर पर सेकेंड हवा में स्पीड से मूव करती है। स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड क्या है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पे। हाउ साउंड ट्रेवल्स एट अ डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट मीडियम्स। साउंड कैसे ट्रेवल करती है विद अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। फॉर इंस्टेंस साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स स्लोअर इन लिक्विड्स एंड द स्लोअर इन द गैसेस। किस सॉलिड्स में ज़्यादा तेज वो साउंड ट्रेवल करेगी इसकी बनस्पत लिक्विड्स में और देन गैसेस में। द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाटर एंड iron is given below. Medium speed of sound air 330 meter per second, water 1500 meter per second, iron 5000 meter per second. The denser the medium the speed of the sound waves. So jitna uski density zyada hogi utni hi tez wo jo hai speed of sound tez hogi. Next is audible frequency ranges. Different animals produce and hear sounds of different frequency. कि हर जानवर की जो है हर इंसान की हर जानवर की जो है frequency different है सुनने की। Audible sound range refers to the sound that can be heard. The audible sounds have a range of frequency which can be heard by animals or humans. कि audible range क्या है ये एक range होती है यानी यहाँ से लेकर इस frequency तक आप आवाज़ सुन सकते हैं वो जानवरों की भी होती है और इंसानों की भी होती है। However, audible frequency ranges vary for humans and डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। कि ये इंसानों में भी मुख्तलिफ होती हैं और जानवरों में तो बहुत ज़्यादा ही मुख्तलिफ होती हैं उनकी स्पीशी के लिहाज से। डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। हर लिविंग थिंग का जो डिफरेंट है उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिस मीन्स दे कैन कंट्रोल एंड हेयर एनी साउंड अबव और बिलो द पर्टिकुलर रेंज। क्या करते हैं वो कंट्रोल भी कर सकते हैं और हेयर भी कर सकते हैं डिफरेंट रेंजेस ऑफ साउंड भी। साउंड विद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है और जिसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है इसको इंफ्रारेड साउंड कहते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड फ्रीक्वेंसी रेंजेस। एनिमल्स एंड फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमन 500 to 25 एंड 20 to 20,000। डॉग 500 to 400 साउंड प्रोड्यूस एंड साउंड हर्ड 500 to 5,000। कैट 500 to 5,000 500 to 66,000। पर्पोयोज 8,000 to 1,20,000 2,500 to 1,30,000। ग्रास हॉपर 8,000 to 1,00,000 एंड 2,500 to 18,000। रैट 12,000 to 1,20,000 एंड 1,500 to 1,20,000। दीज आर द फ्रीक्वेंसी रेंजेस एंड द साउंड प्रोड्यूस बाई द एनिमल्स as well as humans. Next is applications of sound in our daily life. के रोज़मर्रा की रूटीन में हमारे साउंड के साथ क्या क्या ताल्लुकात हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन आवर डेली एक्टिविटीज विच हैव समथिंग टू डू विद साउंड। हम रोज़मर्रा जितने आलात इस्तेमाल करते हैं उन सबका कोई ना कोई ताल्लुक होता है आवाज़ से। इलेक्ट्रिक डोर बेल्स जो डोर बेल्स होती हैं यानी दरवाजे की जो घंटी होती है वो भी बिजली से चलती है। व्हेन द स्विच ऑफ द डोर बेल इज प्रेस्ड द सर्किट इज क्लोज एंड द करंट बिगिंस टू फ्लो थ्रू अ सॉलेनाइड। ये जो ही डोर बेल से करंट क्या होती है वो रुक जाती है जो सर्किट तो करंट फ्लो होती है एक सॉलेनाइड की। द हैमर बिगिंस टू वाइब्रेट और वो हैमर जो है उसमें लगी होती है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। और स्ट्राइकिंग द गोंग इट कंटिन्यूस टर्निंग एज द बटन इज पुश्ड एंड प्रेस्ड। ये तब तक हैमर स्ट्राइक करती रहती है जब तक वो बटन प्रेस किया रहता है और एक साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल साइरन्स। एन इलेक्ट्रिक साइरन वर्क्स बाय कनेक्टिंग द वायर्स टू द साइरन। ये क्या है जो ही हम वायर को कनेक्ट करेंगे साइरन के साथ। द करंट फ्लोस थ्रू द स्मॉल स्पीकर ऑफ एन एम्पेलर हैविंग अ कवर विद द होल्स। कि इसको एम्पेलर के छोटे स्पीकर से पास किया जाता है जब इसमें होल्स होते हैं। एज द एम्पेलर स्पिन्स इट पुशेस आउट एयर एंड कॉजेस डीप एंड लाउड साउंड्स। इसमें डीप गहरी आवाज़ पैदा होती है। टेलीफोन्स हैज वाइब्रेटिंग पार्ट्स। टेलीफोन में भी वाइब्रेटिंग पार्ट्स मौजूद होते हैं।
अ डिस्क इन द माउथ पीस एंड वन इन द एयर पीस। एक माउथ पीस की तरफ जहाँ से हमने बोलना है और एक एयर पीस की जहाँ हमने कान लगा कर सुनना है। द टर्न वॉइस साउंड इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड देन कैन ट्रेवल अलॉन्ग द इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड देन बैक इन टू साउंड। जो क्या करती हैं, आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और इलेक्ट्रिसिटी तारों से होते हुए दूसरा जो एंड होता है वहाँ पर जाकर दोबारा आवाज़ में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट इज रेडियोज एंड स्टीरियोज। एट रेडियो स्टेशन द साउंड वेव्स ऑफ ए प्रोग्राम गो इनटू अ माइक्रोफोन दैट हैज एन इलेक्ट्रिकल रनिंग सिग्नल। रेडियो स्टेशन में जो आवाज़ की लहरें होती हैं वेव्स होती हैं वो प्रोग्राम होती है एक माइक्रोफोन के साथ वो इलेक्ट्रिकल रन करती है थ्रू। द साउंड वेव्स क्रिएट वाइब्रेशन इन द करंट एज दे ट्रैवल थ्रू द वायर्स टू द कंट्रोल रूम। और ये क्या करती है, ये ट्रैवल करती है एक कंट्रोल रूम तक। इन कंट्रोल रूम टेक्नीशियंस कंट्रोल देयर वॉल्यूम एंड सेंड आउट देयर थ्रू ए ट्रांसमीटर। वो क्या करते हैं, आवाज़ को कंट्रोल करते हैं और साथ ही ट्रांसमीटर को भेज देते हैं। एंड एंटीना इज़ वन ऑफ द ट्रांसमीटर सेंड दीज इलेक्ट्रिकल वेव्स आउट थ्रू द एयर एज रेडियो वेव। कि एंटीना क्या करता है, ये वर्क करता है एज ए ट्रांसमीटर और सेंड करता है इलेक्ट्रिकल वेव्स जो आउट होती हैं थ्रू द एयर एज रेडियो वेव्स। The radio in your home has an antenna that picks up these waves from many stations at the same time. आपके घरों में जो एंटीना होता है वो इन्हीं वेव्स को कलेक्ट करता है जो वहाँ से आ रही होती हैं। इन स्टीरियो द सिग्नल्स गो थ्रू अ सीरीज ऑफ एम्पलीफायर्स टू मेक द सिग्नल नॉच। इसलिए वो स्टीरियोज में क्या होता है, एम्पलीफायर जो है वो बड़ा यूज़ होता है और वो सारे सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। नेक्स्ट इज टेलीविजन। अ टेलीविजन स्टेशन ब्रॉडकास्ट अ प्रोग्राम बाय कन्वर्टिंग अ साउंड एंड वीडियो प्रोग्राम इनटू अ रेडियो फ्रीक्वेंसी। अ टेलीविजन सेट रिसीव्स द सिग्नल्स एंड टर्न्स देम इनटू साउंड एंड वीडियो बाय कन्वर्टिंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी इनटू एन इमेज। कि टेलीविजन क्या करता है, ये साउंड और वीडियो प्रोग्राम ही करता है कि इसमें सिग्नल्स मौजूद होते हैं जो टर्न करते हैं साउंड को बाय रेडियो, साउंड को एक वीडियो में कन्वर्ट करते हैं जो कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ एक ही इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। Smoke detectors. All smoke detectors consist of two basic parts: a sensor to sense the smoke and a very loud electric horn to wake up people in case of fire. कि smoke sensor क्या होता है, एक sensor लगा होता है जो smoke को sense करता है कि जो ही स्मोक यानी धुआं वहाँ उठेगा वो उसको sense करेगा और साथ ही एक electrical horn बाज उठेगा जिससे लोगों को पता लगेगा यहाँ आग लग गई है। Safety alarm. Safety alarm द electrical alarm used to indicate the opening of a door or window or detect motion using infrared rays. These type of sensors are designed for indoor use. कि ये इंडोर घरेलू में यूज किया जाता है, इससे क्या है जो ही दरवाज़ा खुले या खिड़की खुलेगी या किसी और इंफ्रारेड रेडिएशन या मोशन से हम इसको देख सकते हैं। This was the reading of the chapter number 10. Now move on to the words the exercise. Exercise, first of all the question given in the exercise is choose the correct answer. So choosing the correct answer, the first one is the regular to and fro movements of a swing body are called waves, oscillations, movements and amplitude, oscillations. The time taken for a complete oscillation is called period, wave, frequency, crest, period. The number of oscillations completed in 1 second is called frequency, period, wave, trough, frequency. Frequency is measured in seconds, hertz, ohms and meter per second, hertz. The loudness of sound produced by a vibrating body depends on its amplitude, oscillations, frequency, wavelength, amplitude. Waves that travel perpendicular in the direction of the oscillations are called longitudinal waves, vibrations, transfer waves, pulses, transfer waves. Sound waves are dash waves, transverse, longitudinal, horizontal, fast. Longitudinal. A small drum will produce a dash sound rather than a big drum. Louder, softer, shriller, sharp, shriller. Humans can hear sound of frequency between 20 to 20,000 Hz, 500 to 5,000 Hz, 500 to 66, 20 to 1 lakh 20, 20 to 20,000. Wavelength is the distance between two dash or two troughs. Waves, peaks, oscillations, points, peaks. The next is the next is question answer. Now move towards the question answer. Science, class 7th. Chapter number 10,
sound waves. Question answer. First one. What is an oscillation? What is an oscillation? Oscillation is a regular back and forth movement. Back and forth movement. Next is, what is period? Time taken for one complete oscillation. Time taken for one complete oscillation is called period. Question number three. What is meant by frequency of oscillation? What is meant by frequency of a oscillation? Answer. The number of oscillation completed in 1 second is the frequency of oscillations. Is the frequency of oscillations. Next is question number four. What are transverse and longitudinal waves? The particles of medium vibrate perpendicular to the direction of wave propagation is called transverse . The particles of medium vibrate parallel to the direction of wave propagation is called longitudinal wave. This was the question number four. Next is question number five. What does the loudness? What does the loudness of sound depend on? The loudness of sound depend on height of sound wave. This is amplitude of sound waves. This is the amplitude of sound waves. This was your last question of the chapter number 10, sound waves, class 7, book Miracles of Science. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।